नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी बागवानी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़ने वाले नए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने आते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। और दोस्तों, जैसा दिल्ली में आजकल आप माहौल देख रहे हैं, पोल्यूशन का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में लोगों का क्रेज़ भी काफ़ी प्लांट्स के लिए बढ़ जाता है, और वो इंडोर प्यूरीफायर प्लांट्स ढूंढते हैं। तो हम जो आपको दिखा रहे हैं, अब ये सारे जितने भी काफ़ी सारी रेयर वेराइटीज़ भी यहाँ पर आप पाम की देख पाएंगे, और काफ़ी खूबसूरत वेराइटीज़ हैं जो शायद ही आपको किसी और नर्सरी में देखने को मिले। तो देखिए, सबसे पहले ये पाम की जो वैरायटी है, ये है रबिकस पाम होता है, लेडी पाम इसको बोला जाता है। और देखिए कितना ज़्यादा ये बुशी प्लांट है, लगभग की 12 इंची पॉट में लगा हुआ है, और लगभग इसमें 10 से 12 जो प्लांट हैं वो भरे हुए हैं। और ये इस जो जितने भी आप पाम की जो वैरायटीज़ आप देख पाएंगे, उनमें छोटे से बड़ा प्लांट अपने साइज़ की अकॉर्डिंग, आप अपने बजट की अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ जो रबिकस लेडी पाम की जो वो हैं वैरायटीज़ हैं, प्लांट हैं, वो 200 रुपये से 1200 रुपये तक आप ले सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये है एरेका पाम इंडोर प्लांट होता है, फुली इंडोर प्लांट होता है। इसको बस थोड़ी धूप में लगाइए, बस हफ्ते में एक आध बार धूप लगाइए, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। और जैसा आप देख पाएंगे, ये देखिए कितने सारे इसमें से ये बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, इनको आप अलग करके भी लगा सकते हैं। और जैसा आप देख पाएंगे, ये बहुत ही मैच्योर प्लांट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लैंडस्केपिंग के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि इनका जो काम है वो लैंडस्केपिंग का भी है। तो ये आप 150 रुपये से 400 रुपये तक एरेका पाम ले सकते हैं। और ये देखिए नोलिना प्लांट पाम इसको बोलते हैं, ये इसको पोनीटेल पाम भी इसको बोला जाता है। इसकी देखिए चोटी की तरह से ये जो निकले हुए होते हैं, ये इसके जो लीव्स होती हैं, इसीलिए इसको पोनीटेल पाम बोला जाता है। और इसकी जो खूबसूरती होती है दोस्तों, ये सारी इसके स्टेम में होती है। ये देखें यहाँ पर इसका जो कोडेक्स होता है, ये बहुत खूबसूरत होता है। तो ये भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये छोटा जो प्लांट है वो 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, और जो बड़ा प्लांट है, ये देखिए इतना बड़ा प्लांट आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये फिशटेल पाम है, और जो फिशटेल पाम है काफ़ी बड़ा है, ये मतलब 12 इंची पॉट में लगा हुआ, ये पॉली बैग में लगा हुआ ये प्लांट है, और काफ़ी सारे मुझे लगता है 10-12 इसमें नीचे से ये देखिए ये बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, और एक ये मैच्योर प्लांट आपको बीच में से मिल जाएगा। ये आपको 1000 रुपये से 2000 तक आप साइज़ के अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही कम नर्सरीज़ में ये मिलने वाला प्लांट है, फॉक्सटेल पाम इसको बोला जाता है, फॉक्स की टेल की तरह, बिल्कुल लोमड़ी की टेल की तरह ये पत्तियां निकलती हैं। ये भी इंडोर बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों, और बेडरूम वगैरह में आप इसको लगाएं, सोफ़े के साइड में आप इसको लगाएं। ये देखिए यहाँ से ये नई जो इसकी लीव है वो निकल रही है यहाँ से, और फिर ये इस टाइप से ये मैच्योर लुक ले लेती है। और ये लगभग 8 से 10 इंची जो हमारी पॉली बैग में लगी हुई है, तो ये भी आप साइज़ की अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इनके पास सभी साइज़ में प्लांट अवेलेबल हैं, 500 रुपये से लेके लगभग 1000 रुपये तक इनके पास ये प्लांट आपको मिल जाएंगे। बड़े जो प्लांट हैं वो 1000 तक मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये जामिया प्लांट है, इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही थिकी लीव्स होती हैं, जैसा आप छूने में इनको देखेंगे, बिल्कुल एकदम जो लीव्स होती हैं वो नकली लीव्स की तरह इनका लुक होता है। देखिए बिल्कुल ये नकली और रफ़ लीव्स होती हैं, लेकिन ये प्लांट बहुत ही हार्डी और बहुत खूबसूरत ये प्लांट होता है। ये आपको छोटा प्लांट 200 रुपये में, और जो बड़ा प्लांट होता है वो लगभग इतना बड़ा जो प्लांट है वो 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये है साइकस पाम, देखिए ये काफ़ी बड़े 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 पॉली बैग्स में एकदम डेवलप्ड प्लांट हैं, तो जिनके पास लोन वगैरह हैं वो आराम से इनको अपने घरों में रख सकते हैं, जिनके पास बड़े घर हैं वो भी अपने गार्डन में इनको ऐड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है, इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही प्यारी सी लगती हैं,
और जब ये निकलती हैं नई लीव्स इनकी निकलती हैं तो बहुत खूबसूरत ये लगती हैं। देखें यहाँ से ये निकलती हैं ऐसे इस वाले एरिया से, और ये बिल्कुल खजूर की तरह ऊपर को बढ़ता जाता है। तो इसमें भी आप साइज़ ले सकते हैं, अगर आप इतना बड़ा प्लांट लेंगे, ये लगभग 12-14 इंची पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है, तो ये आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। और अगर इसमें आप बड़ा प्लांट लेंगे जो कि बिल्कुल एकदम आप देख पाएंगे ये पूरा डेवलप्ड प्लांट है, ये आप 10,000 रुपये तक ले सकते हैं इसमें जो बड़े प्लांट हैं। दोस्तों ये देखिए ये फोनिक्स पाम है, ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक प्लांट होता है, खूबसूरत प्लांट होता है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इतनी ज़्यादा पाम्स की वैरायटी मैंने अभी तक किसी नर्सरी में देखी नहीं है जितनी यहाँ पर वैरायटीज़ हैं। तो ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए नई लीव्स जो आती हैं इसकी इस तरीके से, ये एरेका की तरीके से आती हैं, ये आपको 150 रुपये से लेके और 1,000 रुपये तक साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों ये है बिस्मार्किया पाम, बहुत ही ज़्यादा रेयर वैरायटी ये होती है, इसकी जो लीव्स होती हैं पंखा पाम या चाइनीज़ पाम जैसी लुक देती हैं, लेकिन इसमें बहुत सिल्वर टच होता है, और जैसे जैसे ये धूप इन पे लगती है तो ये ग्रीनिश लुक में आ जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। और इसमें एक डुप्लीकेट वैरायटी भी दोस्तों आती है जो 1500 रुपये तक आपको मिल जाएगी, लेकिन ये एक ओरिजिनल वैरायटी है, क्योंकि जो डुप्लीकेट होती है उसके यहाँ स्टेम पर जो होते हैं कांटे होते हैं, और जो ओरिजिनल इसमें वैरायटी होती है उसमें कांटे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ होती है। तो ये आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है लैटिना रेड पाम, ये देखिए इसकी जो खूबसूरती होती है, ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये देखिए रेड कलर की इसकी स्टेम होगी, ये यहाँ देखिए कैसे इसकी नई लीव्स जो है कितनी खूबसूरती से निकलती हैं, और ये इसके अंदर जब आप देखेंगे तो ये पूरी रेड कलर की यहाँ पर लाइनें आएंगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसा आप देख पाएंगे देखिए लाइनें पूरी रेड कलर की आई हुई हैं पत्तियों के ऊपर अलग अलग, तो ये भी आप ले सकते हैं। और ये आपको 800 रुपये में बड़ा प्लांट है ये काफ़ी, तो ये आप 800 रुपये में ले सकते हैं। और दोस्तों ये है सिफोर्टिया पाम, ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है, बेम्बू पाम की तरह ये लुक इसकी लगती है, देखिए कितना प्यारा सा ये लगता है। और ये भी 12-14 इंची पॉली बैग में लगा हुआ है, लगभग 10-12 इसमें प्लांट हैं, और भी नए नए प्लांट जैसा आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ नए नए प्लांट इसमें आ रहे हैं, तो ये आप ले सकते हैं, ये आपको साइज़ के अकॉर्डिंग 200 से 500 रुपए तक मिल जाएगा। और ये है दोस्तों फिंगर पाम, ये देखिए फिंगर की तरह इसकी जो लीव्स होती हैं वो देखिए, मैंने तो ये आज पहली बार ही देखा है, काफ़ी खूबसूरत ये पाम है, देखिए लीफ फिंगर की तरह ये आती हैं, और ये 500 रुपए में आप ले सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें पूरी जो पत्तियों की जो शेप है, पूरे पत्ते की जो शेप है, ये कितनी खूबसूरत लगती है ये देखिए, तो ये आप 500 रुपए में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी इनके पास छोटा प्लांट नहीं है। और ये है दोस्तों रबीना पाम, काफ़ी मैच्योर प्लांट है, जैसा आप इसके स्टेम से देख पाएंगे, ये लगभग 12 इंची पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है, और ये आपको 300 रुपये से 500 रुपये तक मिल जाएगा। और दोस्तों ये है ट्रैवलर पाम, और केले के पत्तों जैसे इसके पत्ते होते हैं, ये देखिए इस टाइप से ये पत्ते निकलते जाते हैं, ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्लांट भी काफ़ी सारे इनके पास लगे हुए हैं, तो आप ये 200 से 500 रुपये तक ले सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये है ट्राइंगुलर पाम दोस्तों, ये देखिए इसकी लीव्स जो होती हैं बिल्कुल खजूर की तरह होती हैं, और देखिए ये ऐसे करके ये पूरी निकलती हैं, थोड़ा इसका ट्राइंगुलर जो इसका स्टेम होता है वो ट्राइंगुलर बन जाता है, इसीलिए इसको ट्राइंगुलर पाम बोला जाता है। और बहुत खूबसूरत देखिए बिल्कुल एरेका पाम की तरह है, लेकिन पत्तियों की जो लीव्स है वो बहुत डिफरेंट होती है, काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो जाता है, तो ये भी आप 500 रुपये से 1,000 रुपये तक ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये रेक्सोना पाम है, इसकी भी पत्तियाँ काफ़ी बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखिए यहाँ इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये भी जो आपको 200 रुपये से 2,000 तक साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और दोस्तों ये भी एक पाम की ही वैरायटी है, लेकिन इसका नाम हमें नहीं पता है, तो आपको अगर किसी को पता हो तो आप हमें बता सकते हैं।
और ये देखिए यहाँ पर ये इस टाइप की इसमें ये फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर प्लांट हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो स्टेम्स हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, और लीव्स को छूने में भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक पाम की वैरायटी है। इसके अलावा यहाँ देखिए ये एक चाइनीज़ पंखा जो पाम होता है वो है ये। ये देखिए यहाँ पर ये भी एक वैरायटी है। तो यहाँ पर दोस्तों पाम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जो आपने शायद ही अपने आसपास की किसी नर्सरी में देखी हो। तो आप यहाँ से पाम्स की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको कलकत्ता नर्सरी में मिलने वाली 16 से ज़्यादा पाम की वैरायटीज़ दिखाई, जो कि हर नर्सरी में आसानी से नहीं मिलती। इनके जो पाम होते हैं वो कलकत्ता की मिट्टी में लगे हुए होते हैं, जो कि दिल्ली के क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। और जहाँ तक इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये होती है कि ये कस्टमर्स को जो भी प्लांट यहाँ से लोग ख़रीदते हैं उनको प्लांट केयर में भी हेल्प करते हैं, उनको टिप्स भी देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।